एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा से पहले एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत और शरद पवार को नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट में अपना समय बर्बाद न करें बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं। तो वही एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजीत पवार की पार्टी को राहत दी है। अदालत ने कहा कि एनसीपी अजीत गुट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 36 घंटे के भीतर उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में ये लिखना होगा कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा से पहले एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत और शरद पवार को नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट में अपना समय बर्बाद न करें बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं। तो वही एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजीत पवार की पार्टी को राहत दी है। अदालत ने कहा कि एनसीपी अजीत गुट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 36 घंटे के भीतर उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में ये लिखना होगा कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है।